हाय गाइस, वेलकम बैक टू फास्ट ऑन रिएक्शन। और रोज की तरह उम्मीद करते हैं कि आज भी आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं वो एक रोस्टिंग वीडियो है, और इस वीडियो का नाम है हार्दिक पांड्या रोस्ट हार्दिक पांड्या कॉफी विद करण जौहर। तो इस वीडियो में जानेंगे कि हार्दिक पांड्या ने क्या किया है, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि हार्दिक पांड्या को रोस्ट क्यों किया गया है और वो इतने आजकल इसके वीडियो क्यों वायरल हुए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नेस्कैफे की कॉफी 25 रुपए, स्टारबक्स की कॉफी 300 रुपए, और करण की कॉफी जिंदगी बर्बाद हो गया। The plan was to go after Amazoni, and all of a sudden coach came and said that Hardik, you are next, you are going in. January 12, 2018 हार्दिक पंड्या एंड के एल राहुल बैंड। क्या से क्या हो गया। जल्दी और पियो करण के साथ कॉफी। चलिए आप आइए हमारे साथ कॉफी पीजिए। किधर आइए। नहीं नहीं आइए। अरे भाई मेरे को काम बाद में, काम बाद में कर लेना। कपड़ा बर्तन सब धोने का भाई। तू तो आ। नहीं नहीं मुझे भी काम है। तो ऐसा क्या हुआ कि आज हार्दिक पंड्या कॉफी के नाम से भी घबराने लगे हैं? विराट और सचिन द बेटर बैट्समैन। विराट विराट। ओए माना कि विराट आज के टाइम का बेस्ट बैट्समैन है, लेकिन मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। सचिन सबका बाप है। विराट और सचिन। विराट। अबे यार बंदे ने एक सेकंड नहीं लगाया। मेरे जैसा बंदा 10 बार सोचता है यार विराट या सचिन, मतलब दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन सचिन एक लेजेंड है। अरे नहीं लेकिन बात तो सही है, अगर इसने कोहली का नाम नहीं लिया तो इसको खेलने को नहीं मिलेगा, लेकिन वो तो इसको अब भी नहीं मिलेगा। अब ये तो चलो पर्सनल ओपिनियन वाली बात हो गई। इसके बाद हार्दिक से पूछा गया कि आप लड़कियों से क्या बातें करते हैं। What are you exactly talking and I want to know? It's not talking, it's just watching how they move. As I said, I'm a little from black side, no, so I have to see how they move. ताड़ू है, national TV पर खुद ही accept कर रहे हैं कि ये ताड़ू है, लड़कियों से बात बात नहीं करते, ये सिर्फ ताड़ते हैं। It's not talking, it's just watching how they move. अब यार इस बात में दिक्कत ये है कि इंडिया में क्रिकेट को रिलीजन माना जाता है, और क्रिकेटर्स की तो लिटरली पूजा की जाती है। अब यार इन जैसे बड़े बड़े आइकन्स जब नेशनल टीवी पे जाके ये बोलेंगे कि यार मैं लड़कियों से बात बात करने में तो इंटरेस्टेड हुई नहीं, मैं तो सिर्फ लड़कियां ताड़ता हूँ, तो यार जो उनके फैंस हैं उनको फॉलो करते हैं उन पे क्या असर पड़ेगा? खास करके मेरे जैसे छोटे छोटे बच्चे, हमारे दिमाग पर क्या असर पड़ेगा कि लड़कियों को ताड़ना चाहिए? नहीं नहीं, दिस इज सो सेक्सिस्ट। As I said, I'm little from black side, no, so I have to see how they move. अब यहाँ पर इसने बोला क्योंकि ये काला है तो काले लोग यही करते हैं, वो लड़कियां ताड़ते हैं, तो लोग इस बात पे ऑफेंड क्यों नहीं हुए? क्योंकि ये तो रेसिज्म भी हो गया। ये तो सेक्सिस्ट के साथ साथ रेसिस्ट। He's a bloody racist. A racist, a sexist, and a capitalist. पिताजी, मेरा रिपोर्ट कार्ड, मैं फिर से फेल हो गया। ये है आम जिंदगी। My parents are sitting and I was like, they're like, अच्छा तेरा वाला कौन कौन है? Actually, मैं said with them, मेरा like, ये, मतलब सबके साथ कुछ ना कुछ रहा है मेरा। बोलते वाह, वाह, proud of you बेटा। ये है मेंटोस जिंदगी। तो हार्दिक ने बताया कि वो अपनी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा फ्रैंक थे, अपने फादर अपने पिताजी को सब कुछ बताते थे। माय पेरेंट्स आर सिटिंग एंड आई वाज लाइक, दे लाइक, अच्छा तेरा वाला कौन कौन है? एक्चुअली मैं सेड विद देम, मेरा लाइक ये मतलब सबके साथ कुछ ना कुछ रहा है मेरा। बोलते वाह, वाह, प्राउड ऑफ यू बेटा। अब हर किसी के पिताजी आलोकनाथ नहीं होते। जो अपने संस्कार अपने उसूलों के बहुत पक्के हों और अपने पुत्र को ऐसे काम करने से रोके, उन्हें ऐसे काम करने पर डांटे। एंड हार्दिक के पिताजी तो डेफिनेटली मेरे को आलोकनाथ से बहुत दूर दिखाई देते हैं। आलोकनाथ छोड़ो, मेरे खुद के पिताजी को अगर मैं बोलूं पिताजी ये और ये, सबके साथ मेरा कुछ ना कुछ सीन रहा है, तो मेरे पिताजी सामने से बोलेंगे तुमसे ना हो पाएगा, तुम्हारी लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा। पता नहीं पंड्या ऐसे कौन से नशों का सेवन करके आया था जो ऐसी बातें कर रहा था। नाम क्या है तेरा? कमलेश। कहाँ का रहने वाले? भोपाल। यहाँ पे कैसे आया? ओके। सॉल्यूशन कब से पी रहा है बेटा तू? ये कोई 2-3 साल से।
अब इसके बाद हार्दिक के पिताजी ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने बोला इट वॉज एन एंटरटेनमेंट शो एंड हिज कमेंट्स वर मेड इन अ लाइट हार्टेड मैनर ही वॉज ओनली लुकिंग टू एंटरटेन द ऑडियंस He is an innocent boy with a very fun loving nature. आलोक नाथ जी की बात से मैं 50% agree करना चाहूंगा क्योंकि वो एक entertainment show था जिसमें उसने light hearted way में कुछ बातें बोली लेकिन वो बातें light hearted way में लेने लायक नहीं थी मिस्टर आलोक नाथ जी ये आपको भी समझना चाहिए एंड हार्दिक ने खुद ट्विटर पे apologize करते हुए बोला after reflecting on my comments on coffee with Karan, I would like to apologize to everyone concerned who I may have hurt in any way. Honestly, I got a bit carried away with the nature of the show. In no way did I mean to disrespect or hurt anyone's sentiments. Respect. मुझे खुद ऐसा लगता है कि ज्यादा स्वैग दिखाने के चक्कर में ज्यादा अपने आप को महान दिखाने के चक्कर में कि ये आई एम द ड्यूड ये यो 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 आई एम द शेज ब्रो वो दिखाने के चक्कर में पंड्या ने अपने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार ली उसे खुद नहीं पता चल रहा था कि वो जो बातें बोल रहा है वो किस सेंस में इंटरप्रेट होने वाली है एंड हो गया बेचारा बैन ऑस्ट्रेलिया सीरीज से न्यूजीलैंड सीरीज से लेकिन उससे ज्यादा बुरा लग रहा है मुझे बेचारे राहुल के लिए ना कुछ किया ना काम धंधा बस वहां बैठा हुआ बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना साथ में बेचारा Yes, hello, hi, this is me, Karan Johar. खैर आज की वीडियो के लिए इतना ही एंड में बस यही कहना चाहूंगा कि ठीक है यार दोनों को दो सीरीज के लिए बाहर कर दिया गया है इतने पनिशमेंट बहुत है अब माफ करो उन्हें आगे बढ़ो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना अगली वीडियो में मिलेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरी भी अच्छी है चलो आओ कॉफी पी नहीं 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 मेरा उपवास है मेरा भी उपवास है आओ ना कॉफी पीते हैं हाँ भाई तुम्हें दो तीन दिन से वीडियोस देख रहे हो कि हार्दिक पांड्या को सस्पेंड कर दिया टाइटल मैंने एक दो तीन पढ़े पिक्चर्स देखी थंबनेल देखी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस की तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या है उसको क्यों ट्रेंड में लेके आ रहा है क्यों इसके ऊपर वीडियो बन रही है क्यों हुआ क्या है इस इंटरव्यू में उसने कहा क्या है तो फिर मैंने एक वीडियो देखी थोड़ी सी और फिर ये वाली वीडियो भी थोड़ी सी देखी मैंने छोड़ दिया अब इस वीडियो की बात करें तो इस वीडियो में ये बताया गया कि जो इसको सस्पेंड कर दिया एक इंटरव्यू की वजह से क्यों की वजह ये थी कि भाई तो इससे बोला कि मैं लड़कियों से बात नहीं करता मैं लड़कियों को ताड़ता हूँ दूसरी बात कि मैं अपने बाप या अबू को मैं बोलता हूँ कि ये ऐसे ऐसे मेरा रिलेशन चला था ये ऐसे मेरा कुछ कुछ था तो ये बताया दूसरी बात जो उसके साथ वाला क्रिकेटर था राहुल जिस बेचारे को पीस दिया वो भी उसने कुछ किया नहीं वो बेचारा देख के हंस रहा है बस उसको ऐसे पीट दिया उस तो बोलते ना कि सूखी लकड़ी के साथ जो है गीली लकड़ी भी जल जाती है तो वो उसमें उसी तरह हुआ और एक तो बेचारा उसने तो गलती कर दी दूसरे को भी बेचारे को ऐसे ही पीस दिया तो इस वजह से वो भी जो है सस्पेंड हो गया दो बाकी बात करें तो स्टार्टिंग में उसके पाकिस्तान का जो मैच हुआ था वो दिखाया काफी वो इंडिया ने जीता था काफी मजा आया था उस मैच में भी पाकिस्तान इंडिया के जितने भी मैच होते यार मजा आते हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हो और फिर मजा आए दोनों साइडों से मजा आता है कि दोनों मुल्कों में जब इतना मजा आता है क्रिकेट में फिर अलग बात ही अलग होती है और बीच में जो लोग होते हैं वो भी खुश आते हैं ये सच बात की कि इंडिया में जो है वो क्रिकेट को एक देवी मानते हैं उनको जो है पूजा करते हैं क्रिकेट की तो ये बात से इंडियन की क्रिकेट के बैट्समैन जो है वो काफी अच्छे और क्रिकेट इनकी बहुत ही शानदार बहुत अच्छे क्रिकेट खेलते हैं भाई मैं इस वीडियो में यही चाह रहा था कि मुझे पता चले कि हुआ क्या है क्यों इसको ट्रेंडिंग के ऊपर ले जा रहे हैं मसला क्या है तो वीडियो अच्छी लगी तो इनके टारगेट इंसान के चैनल को सब्सक्राइब कर देना डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और जो अपनी राय बता सकते हो भाई ये बता सकते हो कि इसको दो सीरीज के लिए सस्पेंड करना चाहिए था क्या इससे ज्यादा होना चाहिए था तो सेक्शन के ऊपर बताओ और अगर मैं बोलूं तो यार दो सीरीज भी बहुत काफी है क्योंकि भाई इतना टाइम और फिर बात ही कुछ किया भी नहीं हो बेचारे दूसरे ने तो कुछ किया भी नहीं हो वो बीच में पिस गया तो भी नहीं वीडियो अच्छी लगी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और सब्सक्राइब के बेल बटन को भी दबा देना सब्सक्राइब तो बनता है सही है ना सब्सक्राइब के वाले बटन को साथ में बेल लगाकर उनको भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बड़े वक्त मिल सके आज के लिए इतनी काफी मिलते के लिए वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़